हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग स्टोन माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन को रॉक साइट से लेकर हम लोग स्ट्रक्चर तक जो यूज करते हैं उसमें कौन कौन सा प्रोसेस आता है। देखिए, इसमें जो नंबर वन प्रोसेस आता है वो है स्टोन क्वारिंग या क्वारिंग। ये क्या होता है, हम लोग रॉक साइट पे रॉक को तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे रॉक्स में, या छोटे छोटे रॉक्स को क्या बोलते हैं, स्टोन्स या एग्रीगेट्स, उसमें जो कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्वारिंग। इसको हम लोग लिखेंगे कन्वर्टिंग ऑफ लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर एग्रीगेट्स ऑफ रॉक्स एट रॉक साइट। कैसे किया जाता है इसको हम लोग थोड़ा देर में डिटेल में देखेंगे। पहले स्टोन माइनिंग में क्या क्या प्रोसेस है उसको हम लोग समझ लेते हैं। स्टोन क्वारिंग कर दिए, उसके बाद जो एक प्रोसेस आता है उसका नाम है सीजनिंग। देखिए, जो एग्रीगेट्स पीसेस हमको मिलेंगे रॉक साइट से, उसमें मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर वाले को यूज करिएगा ना कंस्ट्रक्शन में तो उतना ड्यूरेबल नहीं होता। तो कोशिश यही रहता है कि मॉइस्चर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उस स्टोन में से हटा दिया जाए। देखिए, उस मॉइस्चर का एक और नाम है, मॉइस्चर का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्वारी सैंड। क्योंकि क्वायरिंग साइट पे जो एग्रीगेट्स मिला उसमें मॉइस्चर आता है, इसलिए उसका नाम क्वायरी सैप दिया गया। तो देखिए, इसी मॉइस्चर को जो हटाने का जो प्रोसेस है उसको सीजनिंग करते हैं। इसमें महीनों महीनों लग जाता है सीजनिंग करने में। देखिए, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर या क्वायरी सैप फ्रॉम रॉक एग्रीगेट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बताया था ना मॉइस्चर 5% से कम होना चाहिए। चलिए, इसमें जो एक और प्रोसेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग वर्ड में क्या लगता है, अच्छे से कपड़ा उपड़ा अच्छे से पहन लेना, तो कुछ वैसा ही है। यहाँ जो हमको पीसेस मिलता है ना वो थोड़ा सा रफ रैंडम ऑर्डर में कैसा भी रहता है, तो उसको डायरेक्ट बहुत जगह पे यूज नहीं किया जाता, तो उसको एक प्रॉपर साइज शेप साइज देने के बाद ही यूज किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को जिसमें कि इन स्मॉलर एग्रीगेट्स को लेके एक प्रॉपर शेप साइज दिया जाता है उसको बोलते हैं ड्रेसिंग, गिविंग प्रॉपर शेप एंड साइज टू रॉक एग्रीगेट्स। ध्यान रखिएगा एक चीज, बहुत बार रॉक स्टोन इन दोनों को एक ही जैसा यूज कर लिया जाता है। भी कुछ सिमिलर चीज लेकिन स्लाइट डिफरेंस है, रॉक से स्टोन आता है। चलिए, ये जो हमारा पहला मेथड था क्वायरिंग, एक्वायरिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीका है, उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। इसको करने का दो तरीका होता है, एक तरीका में हम लोग विस्फोटक का यूज करते हैं और दूसरा तरीका में विस्फोटक का यूज नहीं करते। तो इसमें जो पहला तरीका पढ़ेंगे उसमें हम लोग विस्फोटक का यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टिंग मेथड। चलिए, ब्लास्टिंग मेथड, ब्लास्टिंग करने से क्या समझ में आ रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ ना कुछ फूट रहा है,
तो कुछ वैसा ही होता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक रॉक है जिसको कन्वर्ट करना है छोटे छोटे पीसेस में या स्टोन में। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले इस रॉक में होल्स बनाया जाता है सर्टन डिस्टेंसेस पे। इसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग, बोर्ड्स बनाया जाता है या होल्स बनाया जाता है। देखिए इसको लिखेंगे, होल्स आर मेड। इसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग। मान लीजिए इसका मैं एक टॉप भी बना देता हूँ, ये जो है एक होल बना दिया गया। ठीक है, अब जब होल बनाया जाएगा, मान लीजिए कोई ड्रिलर यूज हो रहा है, ड्रिलिंग मशीन यूज हो रहा है होल बनाने के लिए, तो उसने कुछ कचरा उसमें गिरता होगा होल्स बनाने के टाइम, उन कचरा को साफ किया जाता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये साफ सफाई हो गया तो इस होल के अंदर एक विस्फोटक या एक एक्सप्लोसिव डाला जाता है। उस एक्सप्लोसिव का एक और नाम है चार्ज। तो एक्सप्लोसिव, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, चार्ज प्लेस्ड। और ये जो है ना हमारा साफ सफाई का काम, चार्ज प्लेसिंग, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए कि हमारा एक्सप्लोसिव है, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इतना जगह तो खाली रह गया ना, इस जगह में हम लोग मिट्टी भर देते हैं। हाँ, एक्सप्लोसिव डालते हैं इस एक्सप्लोसिव में एक हम लोग का फायरिंग करने के लिए एक कनेक्शन भी दिया जाता है। और उस कनेक्शन के बाद हम लोग मिट्टी भर देते हैं, और मिट्टी को बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। इसको लिख दीजिए, सॉइल फिल्ड एंड कॉम्पैक्टेड। इसका भी एक नाम है टैंपिंग। अब देखिए, अब काम लगभग खत्म। वो हम लोग वो देखे हैं, फटाका जब जलाते हैं तो फटाका, मान लीजिए आलू बॉम्ब है, आलू बॉम्ब में निकला हुआ नहीं रहता है जिसमें आग लगाते हैं, वैसे ही इसमें निकाला जाता है। समझ लीजिए ना, बड़का आलू बॉम्ब यहाँ पे रख दिया गया, अगर ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, अब सब चीज सेट है, जितने भी होल्स है सब में सेम काम होता है। अब इसमें आग लगाया जाता है, अब इसमें आग लगाया जाता है, फायर्ड। इस प्रोसेस का नाम है फायरिंग। गोली वाला फायरिंग नहीं हो रहा, आग वाला फायरिंग हो रहा है। आग लगा, जैसे आग लगेगा नीचे आएगा चार्ज। चार्ज तक जैसे ही पहुंचा चार्ज फट जाएगा, चार्ज फटेगा सब में, रॉक टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, और हमको यही तो चाहिए था। तो हमको स्टोन्स मिल जाता। ध्यान दीजिएगा, आजकल क्या है ना, आग लगाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन बाहर तक दे के आग ना लगा के एक यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर क्या होता है समझाता हूँ। देखिए एक टेस्ट ट्यूब, देखें टेस्ट ट्यूब टाइप का होता है जिसके अंदर कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव डाला जाता है जो फट जाएगा। इसके अंदर एक्सप्लोसिव डाला जाता है और एक कनेक्टर रहता है कॉपर वायर से। इस कॉपर वायर में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, करंट के कारण यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, और उस स्पार्क से एक्सप्लोसिव फटता है। इस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को रख दिया जाता है एक्सप्लोसिव के बगल में। मान लीजिए डेटोनेटर को रख दिया गया यहाँ पे, और डेटोनेटर का, अब इस वायर का जरूरी नहीं, जो पिछला कनेक्शन हम लोग दे रहे थे चार्ज को डायरेक्ट, उसका जरूरी नहीं है। अब हम लोग जो डेटोनेटर का जो कनेक्शन है उसको लेंगे,
और इस डेटोनेटर के कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा बिजली दिया जाएगा, बिजली यहाँ आएगा, डेटोनेटर में स्पार्क होगा, स्पार्क के कारण डेटोनेटर के अंदर जो एक्सप्लोसिव है वो फटेगा। उसके फटने से क्या होगा, जो मेन एक्सप्लोसिव है उसको एक थोड़ा सा चिंगारी मिला, वो फटेगा, रॉक पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर डायरेक्ट रॉक को फाड़ नहीं रहा, जबकि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के फटने से जो मेन चार्ज प्लेस था उसमें वो फूटता है, और उसके फूटने के कारण हमारा स्टोन्स कन्वर्ट हो जाता है पीसेस में। अब कुछ चीज ध्यान देने वाला है ब्लास्टिंग मेथड का। ये हम लोग यूज करते हैं हार्ड रॉक्स में। हार्ड रॉक्स किस में होगा, तो इग्नियस में होगा या मेटामॉर्फिक, ये दोनों तो हार्ड होता है। और ध्यान दीजिएगा, इस ब्लास्टिंग मेथड को जब करते हैं तो बहुत ज्यादा हमको स्टोन मिलता है, जो हमें मोर स्टोन्स रिक्वायर्ड है। और ध्यान दीजिएगा, स्टोन्स कैसा होना चाहिए, रफ। अगर रफ रिक्वायर्ड है तब इस प्रोसेस को किया जाता है। स्मूथ चाहिए तो उस स्टोन को फिर ड्रेसिंग करिए, तो उसमें भी तो इस प्रोसेस को करना ही होगा। तो मोर स्टोन्स जब चाहिए तब। ये जो स्टोन्स होता है हार्ड होता है, और हार्ड वाले स्टोन्स को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कोर्स एग्रीगेट के फॉर्म में, या फिर रेलवे बलास्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस मेथड को। डायरेक्ट जो स्टोन निकलता है ना, उसको ज्यादा ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग रेलवे बलास्ट में यूज कर देते हैं। ये था ब्लास्टिंग मेथड। हमारा है कुछ नॉन ब्लास्टिंग मेथड, जिसमें कि विस्फोटक यूज करने का जरूरी नहीं पड़ता, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, नॉन ब्लास्टिंग मेथड, दो नंबर पे नॉन ब्लास्टिंग मेथड, इसमें बारूद का यूज नहीं होता है, कोई विस्फोट नहीं होता। तो नॉन ब्लास्टिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट रॉक्स के लिए। सॉफ्ट रॉक्स बोलिए या स्ट्रेटिफाइड बोलिए या सिंपल सा सेडिमेंट्री बोल दीजिए, उसमें तो समाया था सेडिमेंट्री। ठीक है, नॉन ब्लास्टिंग मेथड में जो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेजिंग मेथड। वेज क्या होता है, तो एक स्ट्रक्चर होता है कुछ पॉइंटेड टाइप नीचे से, और ऊपर से थोड़ा सा उसका विड्थ होता है कुछ इस तरह से। ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल का मान लीजिए जो ये नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर को वेज कहा जाता है। कारपेंटर लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब लकड़ी का कंस्ट्रक्शन होता है तब। देखिए, वेजिंग मेथड मान लीजिए भाई, हमारा चट्टान को ले लीजिए, रॉक को। इसमें कैसे कैसे करना है देखिए। सबसे पहले वही काम, होल्स बनाइए, मेक होल्स। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या होल्स पूरे में बनाना है, नहीं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर इस डायरेक्शन के अलावा हमको इसको तोड़ना है, मतलब ये जो पाथ है स्टोन का, ये वाला पाथ को अलग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को तोड़ना है उस डायरेक्शन में होल्स बनाएंगे, पूरे में नहीं बनाना। होल्स, मेक होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेकेज ऑफ रॉक। ठीक है, होल्स बना दिया गया। होल्स बनाने के बाद हम लोग इसमें इस तरह के वेजेस होता है, उस वेजेस को डाला जाता है और हथौरा से मारा जाता है। हथौरा से जैसे जैसे मारा जाएगा, सही है, नीचे तो पॉइंटेड है, आराम से चल जाएगा उसमें। इसको जाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाना हो हथौरा पे, और जैसे ही ये बड़ा वाला पार्ट जाएगा तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन का राउंड थोड़ा सा कमजोर कर देगा, क्योंकि
होल्स तो छोटा है और उससे ज्यादा पार्ट जा रहा है उसके अंदर, उससे बड़ा पार्ट, तो क्रैक्स डेवलप हो जाता है इसका इसके अराउंड। और जैसे क्रैक्स डेवलप हो जाता है तो यह इसका अराउंड टूट जाता है, और जो पार्ट हमको चाहिए था पार्ट मिल जाता है, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं स्टेप्स को। इसको लिख दीजिए वेजेस, तो स्टील वेजेस लिख दीजिए, स्टील वेजेस प्लेस्ड रूल्स हैंग हैमर्ड, और थोड़ा लगाया जाता है। इसको करने का एक और तरीका होता है, हम लोग स्टील वेज यूज ना करके लकड़ी का वेज भी यूज करते हैं, वुडन वेजेस ऑल्सो यूज समटाइम्स। होल करने तक का सेम प्रोसेस है, और लकड़ी का वेजेस को इस होल्स में डाला जाता है, और पूरा हथौड़ा चलाया गया। उसके बाद क्या होता है ना, उस लकड़ी वाले वेज पे पानी डाला जाता है। पानी डालने से क्या होता है कि फूल जाता है, फूलेगा फिर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, होल जितना था उससे ज़्यादा स्पेस, फिर ब्रेकेज आता है टूट जाता है। तो वेजिंग मेथड में इतना ही था, कुछ खास नहीं था, ये सिंपल सा समझने वाला था। ध्यान रखिएगा, वेजिंग मेथड जो है ना हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कोई प्रीसियस स्टोन चाहिए होता है, प्रीसियस स्टोन्स रिक्वायर्ड। कहने का मतलब, मान लीजिए ये जो पार्ट हमने तोड़ा, इस पार्ट में कोई बहुत ही कीमती स्टोन है, उसको निकालने के लिए इस पार्ट को अलग किया जाता है, प्रीसियस स्टोन के लिए हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं, इसमें वेस्टेज कम होता है, लेस वेस्टेज, और लिख सकते हैं लार्ज इरेगुलर ब्लॉक रिक्वायर। ये जो बड़ा वाला पीस टूटता है ना क्रैक से कर, इसमें रेगुलरिटी नहीं होता, तो हमें इरेगुलर चाहिए, तो इस मेथड को यूज कर लेंगे। ये था नॉन ब्लास्टिंग का पहला मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ से दो मेथड और है, एक हमारा चैनलाइजिंग मेथड है और एक हमारा फायरिंग मेथड है। फायरिंग मेथड ट्रेडिशनल मेथड था, अब तो नहीं यूज होता होगा, फिर भी जानिए, नॉलेज जरूरी है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है चैनलिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, देखिए मान लीजिए वही टॉक ले लिए। एक होता है चैनलाइजर। चैनलाइजर क्या कर सकता है, तो लंबा सा होल्स क्रिएट कर सकता है। चैनलाइजर कैन मेक लॉन्ग होल्स। ये चैनलाइजर है ना 10 मीटर लंबा होल्स तक बना सकता है, जबकि 1 से 3 मीटर वाइड और 3 मीटर डेप्थ, डेप्थ बोलिए या थिकनेस बोल दीजिए। इस डायमेंशन का 3D होल क्रिएट कर सकता है चैनलाइजर। मान लीजिए हमको स्टोन का इतना पार्ट चाहिए, हम क्या करते हैं, चैनलाइजर को यहाँ रखते हैं और यहाँ तक होल बना लेंगे, फिर एक चैनलाइजर को यहाँ रखेंगे और यहाँ तक होल बना लेंगे। जैसे होल बनेगा ये वाला पार्ट, वो हम अलग कर सकते हैं। तो चैनलाइजर में होल बना दिया, उसके बाद वी कैन रिमूव द रॉक पार्ट। ये बहुत सिंपल सा था। देखिए इसमें जो जो रॉक पार्ट हमको मिलेगा नहीं वाला, इसका थोड़ा सा बाउंड्री है, मशीन से काटा गया चैनलाइजर, थोड़ा सा स्मूथ होता है। हम लिख सकते हैं
बाउंड्री, ऊपर से लंबा लंबा रॉक्स को इसमें कटाई रखता है, तो लॉन्ग रॉक पीसेस, ऐसे रॉक्स को ज्यादा यूज किया जाता है ना वॉल्स में, टू बी यूज्ड एज स्टोन वॉल्स। ये तो हमारा चैनलाइजिंग मेथड या चैनलिंग मेथड। और इसमें एक और मेथड आता है हमारा नॉन ब्लास्टिंग में, वो है हमारा फायरिंग मेथड। फायरिंग मतलब बंदूक वाला जो फायरिंग होता है, वो नहीं, हवा में जो जलता है फायर, उसका बात हो रहा है। फायरिंग मेथड देखा है तो बहुत ही पुराना मेथड है, लेकिन जहाँ हमको कम अमाउंट में रॉक्स चाहिए या स्टोन्स चाहिए, वहाँ पे हम फायर मेथड को यूज कर सकते हैं। सेम है फायरिंग या हीटिंग मेथड। फिर वही हम रॉक लिए। अब इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे लकड़ी रख दिया जाता है रॉक के अपर पार्ट पे, लकड़ी रख के आग लगा दिया जाता है। मान लीजिए आग लग गया, आग लगने से क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण सर्टन डेप्थ पे क्रैक्स क्रिएट हो जाता है, और जो क्रैक्स क्रिएट होता है उस क्रैक्स वाले बाउंड्री के अलॉन्ग इस रॉक्स को हम अलग कर लेते हैं। यही था, इसको अगर स्टेप्स लिखना चाहिएगा तो फायरिंग डन एट अपर पार्ट ऑफ रॉक, उसके बाद लिख सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन क्रैक्स डेवलप्स एंड रॉक पीस रिमूव्ड। इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये ट्रेडिशनल मेथड एक तरह से पहले से यूज होता है, ट्रेडिशनल मेथड। इसको वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमको स्टोन्स कम मात्रा में चाहिए, रॉक्स है लेस अमाउंट ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने स्टोन माइनिंग का तीनों प्रोसेस देखा,